तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड तो आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, मैं इस वक्त खड़ा हूँ कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में। जी हाँ फ्रेंड, मैं आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड, क्योंकि मैं आप लोगों को लेकर आऊँ इंदौर का सबसे फेमस जू। जी हाँ फ्रेंड, प्राणी संग्रहालय, कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय। जी हाँ फ्रेंड, बहुत ही फेमस जू है यहाँ का। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आई होप वीडियो में बने रहेंगे, आप बहुत इंजॉय करने वाले फ्रेंड। तो यहाँ से हम चलते हैं अंदर फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं आ चुका हूँ जू के अंदर, और यहाँ से हम अंदर की तरफ चलेंगे। उससे पहले एक बहुत ही स्टेचू बना हुआ है यहाँ पर बांस का, तो मैं उसके पास आपको लेके चलता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम अंदर चलेंगे फ्रेंड। उसके बाद मैं आपको पूरा चिड़ियाघर और एक एक जानवर से रूबरू करवाऊंगा फ्रेंड। आई होप वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड। बहुत मजा आने वाला है और बहुत इंटरटेनिंग वीडियो बनने वाला है फ्रेंड। तो इससे पहले कि और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको लेके चलता हूँ कि स्टेचू बना हुआ बहुत ही बढ़िया। आपने देखा बहुत ही यूनिक चीज़ बनी हुई है, आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। तो यहाँ से फिर हम अंदर की तरफ चलते हैं। ये फ्रंट था हमारा फ्रेंड, ये स्टैचू था, अब हम जानवरों से अंदर मिलेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड थोड़ी ही आगे बढ़कर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पक्षी विहार बना हुआ है। जी हाँ, देश विदेश के रंगीन पक्षियों से मिलने पक्षियों का यहाँ पर एक अलग से स्पॉट बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको टिकट लेना पड़ेगा 30 रुपये फ्रेंड। जी हाँ, ये देखिए टिकट काउंटर यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ से मैं पहले टिकट लेता हूँ, फिर अंदर लेके चलता हूँ। टिकट लेने के बाद अंदर की तरफ चलते हैं, यहाँ से एंट्री गेट है। तो फ्रेंड यहाँ हम आ चुके हैं यहाँ पर अंदर। यहाँ पर देख ही सकते हैं चेन लटकाई हुई है, बहुत ही बढ़िया लुक देने की कोशिश की गई है। आइए हम चेन वाले सेक्शन से बाहर की तरफ आ चुके हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है फ्रेंड यहाँ का। तो फ्रेंड पक्षी संग्रहालय में आते ही हमें बहुत ही सुंदर दृश्य दिखा यहाँ पर। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पक्षी है फ्रेंड, ये देख ही सकते हैं आप। ये देखिए अलग अलग प्रजाति के यहाँ पर पक्षी दिख रहे हैं फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, तो यहाँ से हम अंदर की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड अभी मैं आपको लेके गया था पक्षी संग्रहालय में। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर एक पक्षियों के लिए अलग से बहुत ही सुंदर घर बनाया हुआ है, जहाँ पर हम उनके बीच में जाके लाइव हम उनको महसूस कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। तो यहाँ से अब हम आगे की तरफ, आपको मैं चिड़ियाघर के नेक्स्ट लोकेशन पर लेके चलता हूँ। आई होप आपको पक्षी घर बहुत ही पसंद आया होगा फ्रेंड, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। तो यहाँ से हम चलते हैं आगे। We'll be right back.
फ्रेंड जू बहुत ही बड़ा बना हुआ है, पहले थोड़ा छोटा था लेकिन अभी यहाँ पर कुछ और जानवरों को संग्रह करके यहाँ पर वो थोड़ा बड़ा बनाया गया है। तो काफ़ी मैंने आपको एरिया घुमाया, थोड़ा सा थक गया हूँ तो यहाँ पर बैठ के मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करूँ फिर, तो यहाँ से फिर हम और आगे चलेंगे। अभी तो यहाँ पर हम आधा ही जू घूमे फ्रेंड, अभी बहुत बड़ा जू बाहर बाकी है फ्रेंड, तो मैं उसको आगे आपको लेके चलता हूँ यहाँ से। तो फाइनली फ्रेंड हम आ चुके हैं टाइगर स्पॉट पर, आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं टाइगर बैठा हुआ बहुत ही आराम से दोपहर के टाइम पर आराम कर रहा है। यहाँ पर टाइगर रखे हुए हैं फ्रेंड और चारों तरफ जो आप देख ही सकते हैं बहुत ही सुंदर और बहुत सेफ्टी के साथ रखे हुए हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा फ्रेंड यहाँ का। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा फ्रेंड, तो चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर, और भी आगे चिड़ियाघर बहुत बड़ा बना हुआ है। आप यहाँ पर आओ तो टाइम निकाल के आना पड़ेगा, कम से कम 2-3 घंटे आपको घूमने में यहाँ पर लग जाएंगे फ्रेंड। फाइनली फ्रेंड चिड़ियाघर घूमने के बाद मुझे लगी थी भूख, तो मैं इस चिड़ियाघर के लास्ट वाले सेक्शन में आया तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया फूड मार्केट बना हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आपको हर वैरायटी की खाने की चीज़ें मिल जाएगी फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, बेक समोसे है, यहाँ पर मंचूरियन है, नूडल्स है, पानी पतासे है, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी आज की। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिल